देख रहे हैं एशिया न्यूज़ और मैं हूं प्रियंका। आज मैं कुछ ऐसे मुद्दों पर, एक ऐसे प्रयास पर प्रकाश डालूंगी जो कि शायद ही आपको पता हो, और ये पहले बहुत सारे सोशल कॉज पर काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टीम प्रन्यास की। आइए आपको टीम प्रन्यास के प्रेसिडेंट डॉक्टर चंद्र से मिलवाते हैं। डॉक्टर चंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले आपने मुझे इस अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभूषण है, जैसा कि आपने बोला। हम बोली, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो प्रन्यास है, जो आपने ये एक डॉक्टर्स की टीम बनाई है, इसकी शुरुआत कैसे की और इसके पीछे क्या आपका मोटो रहा है? मैं आपको तब से बताता हूँ जब टीम प्रन्यास का ओरिजिन हुआ था, क्या सोच था, कैसे इस टीम का फॉर्मेशन हुआ, कैसे लोग आए। तो टीम प्रन्यास एक ऐसी संस्था है जो आज यूथ के लिए है। ये कि वो कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, इसमें कोई भी आके जुड़ सकते हैं। और अभी हमारे पास मोर देन 1700 वॉलंटियर्स हैं जो कि हर स्टेज से हमारे पास जुड़ चुके हैं। इस टीम का फॉर्मेशन का बताता हूँ। मैं रिम्स में आज से मेरा थर्ड ईयर पीजी है, और पिछले पाँच छः साल से लगातार मैं यहाँ पे सोशल वर्क कर रहा हूँ। और पिछले 3 सालों से, लास्ट के 3 ईयर से, जब मैंने MD पैथोलॉजी स्टार्ट किया, तो मैंने ब्लड डोनेशन पे एक्स्ट्रा काम करना शुरू किया, जिससे केवल ब्लड डोनेशन ही नहीं होते थे, मैं लोगों का हेल्प भी कर पाता था। कुछ गरीब लोग हैं राज्य के, एनेमिक हैं, थैलेसेमिक हैं, इन्हें ब्लड नहीं मिलती थी, तो ऐसे लोगों का हमने हेल्प करना शुरू किया। इससे लोगों को रिकॉग्निशन होने लगा, लोग जानने लगे हमें, और लोगों को हेल्प मिलने लगा, तो लोग धीरे धीरे करके जुड़ते चले गए। हमने बहुत सारे कैंप लगाए, बहुत लोगों को मोटिवेट किया, और सबसे बड़ी बात हमारी थी कि जो लोग कभी ब्लड डोनेट नहीं किए थे, उन्हें मोटिवेट करके हमने लाइफ में फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करवाया, और वो लोग आज रेगुलर ब्लड डोनर बन चुके हैं। हर 3 महीने पे आके खुद से ब्लड डोनेट करते हैं, तो ये बड़ी अचीवमेंट थी अपने आप में। और मेरे जो और भी क्लोज फ्रेंड थे, ना केवल डॉक्टर, अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर, जो रांची के बाहर में, रांची मतलब आउटसाइड ड्रीम्स रहते थे, वो लोग भी इस टीम से जुड़ने लगे। तो एक कोर टीम का फॉर्मेशन हो गया। उन्होंने अपनी सहमति दिखाई कि हम लोग एक NGO बनाना चाहते हैं, एक संस्था बनाना चाहते हैं, और इस तरह से टीम प्रन्यास का फॉर्मेशन हुआ। 4 लोगों का एक ग्रुप बना, जिसमें सुजीत तिवारी हमारे सेक्रेटरी हैं, अभिषेक कुमार हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, रश्मि पिंगुआ हैं ट्रेजरर, और पूजा है, डॉक्टर पूजा, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है। इसके अलावा और सारे, बहुत सारे मेंबर हैं, कोर मेंबर हैं। तो इस तरह से एक टीम का फॉर्मेशन हुआ, और हमारा पहला ब्लड डोनेशन कैंप था वो 15 अगस्त को हुआ था, जो कि एक अच्छा डे है। और आप समझ सकते हैं कि जब 15 अगस्त को हम लोग स्टार्ट किए थे, मतलब हम लोग के दिल में साफ था कि देशभक्ति का जज्बा लेकर के हम लोग आए थे। तो इस तरह से टीम प्रन्यास का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद हम लोग हेल्थ सेक्टर पे वर्क करना शुरू किए। हमारा मेन जो मोटो है, रजिस्टर्ड है हम लोग हेल्थ पे वर्क करने के लिए। इसमें हम लोग ब्लड डोनेशन हो, प्लाज्मा डोनेशन हो, फ्री हेल्थ कैंप हो, फ्री हेल्थ सर्विसेज टू पुअर पीपल्स ऑफ झारखंड हो, या फिर ऐसे पीपल्स, ऐसे लोग जिन्हें टर्सरी सेंटर आने में दिक्कतें हो रही है, जो लोग हेल्थ केयर के बारे में बहुत अवेयर नहीं हैं, उनके लिए हम लोग अवेयरनेस भी फैला रहे हैं। और आज हमारी संस्था झारखंड के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। हम लोग जमशेदपुर में हैं, हम लोग धनबाद में हैं, हम लोग बोकारो में हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं, और धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। इस तरह करके हमारा ओरिजिन हुआ था। किस तरीके से जो है ये प्रन्यास टीम हमेशा से लगातार जो है रांची हो या रांची से अदर डिस्ट्रिक्ट में भी हो, अपना जो काम है, जो सोशल कॉज है, उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी दिनों से वर्क कर रही है। लेकिन इसके बावजूद जो है अभी कोविड के टाइम में क्या कुछ प्रन्यास टीम की तरफ से अलग प्रयास किया जा रहा है? देखिए, अभी तो दौर बहुत कठिन दौर है, अब सब लोग देख रहे हैं। इसमें लोग ना चाहते हुए भी लोगों के साथ ऐसा हादसा हो रहा है कि लोग टूट जा रहे हैं, और ऐसे वक्त में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें ह्यूमैनिटी की, मानवता को आगे आने की। और देखिए, हर आदमी के अंदर में कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटी होती है, जिसे हम लोग सेवा भावना कहते हैं। और ये सेवा भावना जब लोगों के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिलता है, तो एक टीम बन जाता है। और एक ग्रुप बनने के बाद आप जानते हैं कि कोई भी काम ग्रुप में हम लोग ज़्यादा स्ट्रांगली कर सकते हैं, आपका ज़्यादा रिकॉग्निशन होता है। तो इस तरह से हमारी टीम पहले से गठित थी, और हमने देखा कि इस पीरियड में
अभी जब हम बाहर निकल के सब काम नहीं कर सकते हैं, हमारे लिमिटेशंस हो गए हैं, हम अगर बाहर निकलेंगे, आप बाहर निकलेंगे तो आपको क्रॉस इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो ऐसे वक्त में भी जो सबसे बेस्ट सपोर्ट होता है, हम लोगों ने कोविड हेल्पलाइन एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें बहुत डेलीगेट लोग भी हैं शहर के, जो लोग 24 आवर्स, आप कभी आप देख सकते हो उस ग्रुप में 24 आवर मैसेजेज आते हैं, और हम लोग का एफर्ट रहता है कि सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। और थैंक्स गॉड कि अभी तक ऐसा हुआ कि सारा सोल्यूशन हो गया है, बहुत रेयर केसेस में नहीं हो पाता है, कभी कभी बेड नहीं मिल पाती, आप जान ही रहे हैं, मगर हम लोग की कोशिश रहती है और सारे लोग उसमें सपोर्टिव हैं। तो इस तरह से हम लोग हेल्प कर रहे थे, मगर हमने रिसेंटली देखा, मैं खुद भी कोविड पॉजिटिव हो गया था, तो इवन कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी मैं सोशल मीडिया से अपने फेसबुक लाइव के थ्रू आकर के लोगों को अवेयर करते रहता था कि कोविड में आपको क्या दिक्कतें हो रही है। मैंने फर्स्ट डे का क्या सिम्टम था मैंने वो बताया, मैंने सेकेंड डे का अपडेट बताया। तो इस तरह का जब मैक्सिमम सिम्टम होते हैं, जब कोविड आपके पास मैक्सिमम इन्फेक्शन हो जाता है, और जब आपके पास मैक्सिमम सिम्टम होते हैं, तो आप एक जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं चीज़ों को बताने के लिए। मैंने ये सारे एक्सपीरियंस शेयर किया, लोग बहुत उसको शेयर भी किए, समझे, तब मुझे फील हुआ कि लोगों का क्वेरी जो आ रहा था मैक्सिमम, वो लोग बहुत लोग अप्रिहेंसिव थे, डरे हुए थे, उन्हें ये पता नहीं चल रहा था कि कोविड के जो केसेस हैं, सारे केसेस को हम हॉस्पिटलाइज कर दें, सब लोग वैक्सीन ले लें, सब लोग जांच करवा लें, सब लोग डिफरेंट टेस्ट करवा लें। तब मुझे फील हुआ कि नहीं, अब एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए, एक ऐसा टीम बनाना चाहिए, डॉक्टरों का एक ऐसा टीम बनाना चाहिए जो लोगों को काउंसिल करे, जो सबसे ज़रूरत था। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कोविड का जो सिम्टम्स है, जो लोग 90% कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं, टोटल कोविड पॉजिटिव पेशेंट के 80 to 90% आप बोल सकते हैं, जो लोग माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं या लोअर मॉडरेट बोल सकते हैं, तो ऐसे लोगों का लोग जिनका सैचुरेशन लेवल 90 से above है, 90 से ज़्यादा सैचुरेशन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोग को आप घर में बैठ के ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, क्योंकि आप फालतू का अगर हॉस्पिटल में बर्डन बढ़ाओगे, ऐसे ही बेड की कमी है, और ऐसे लोग को अगर हम एसिम्टोमेटिक लोग को लेकर के हॉस्पिटल में भर्ती कर दें, तो वहाँ पे एक तो हेल्थ केयर पे प्रेशर पड़ेगा, ऊपर से क्रॉस इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है, डिफरेंट वायरल के स्ट्रेन है, तो हो सकता है कि कहीं दूसरे जगह के स्ट्रेन और ज़्यादा खतरनाक हो। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि जो मैक्सिमम लोग हैं इनको घर में रख कर ट्रीटमेंट किया जाए, और इस तरह से एक होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए टीम प्रन्यास ने एक मेडिकल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, और आज पहला दिन था, अभी मैं उनका अटेंड करके ही आ रहा हूँ। तो इस एक घंटे में, एक घंटे का टाइम था, इस एक घंटे मुझे 74 कॉल्स आए हैं, और मैंने सारे लोगों का सॉल्यूशन कर दिया। बहुत माइनर क्वेरी थे, जितने सिंपल क्वेरी थे, तो सबको यूं ही सॉल्यूशन हो गया, और सब लोग बहुत सेटिस्फाइड थे मेरे ट्रीटमेंट से। और ये हमने जो स्टार्ट किया है, ये दिन भर में सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक, मतलब टोटल 8 और 10, शायद 10 घंटे का कार्यक्रम है। और ये इस कार्यक्रम में हमारे पास 13 डॉक्टर्स हैं, सबका नंबर दिया हुआ है, उन्हें टाइम वाइज अलॉटेड स्लॉट टाइम का अलॉट किया गया है, उसमें कॉल करिए, आपको सोल्यूशन। डॉक्टर की लिस्ट है, चाहे उनके नंबर्स की लिस्ट हो और चाहे उनकी टाइमिंग स्केड्यूल की लिस्ट हो, ये आपको इस वीडियो के अंत में ज़रूर देखने को मिलेगा, सो देखते रहिए। और डॉक्टर, मेरा आपसे एक ये भी सवाल है कि इस चीज़ को लेकर के, जैसे जो नॉन कोविड पेशेंट है, क्या उनकी भी क्वेरीज इस नंबर से सॉल्यूशन होगा उनका? हाँ, इसमें जो नॉन कोविड केसेस हैं और जो कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम लोग बेसिक आजकल जो बीमारी हो रही है, आप तो देख ही रहे हैं, आजकल सारे डॉक्टर कोविड का स्पेशलिस्ट बन गए हैं और सारे पेशेंट कोविड के पेशेंट बन गए हैं, तो 90% जो क्वेरीज आ रहे हैं केवल कोविड रिलेटेड आ रहे हैं, और नॉन कोविड भी केसेस रहेंगे तो डील कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, एक बात का हमने आपको अर्जेंट समझा बताना, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जब ग्रुप बन जाती है तो उससे ऑथेंटिसिटी के लिए इतने कॉल्स आ रहे हैं, अटेंड हो रहा है, किसको पेशेंट को लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट रखने के लिए हम लोगों ने, मैंने खुद का अपना नंबर दे रखा है, और जिन्हें कोई दिक्कत हो तो हमें मैसेज करें, हम उन्हें क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे डॉक्टर्स का और भी टीम है, एक्टिव टीम है, और सब लोग इसमें मतलब निस्वार्थ सेवा करने को रेडी हैं।
मतलब आपका ये कहना है कि जो भी क्वेरीज हैं अगर एक डॉक्टर से नहीं हो पा रही है तो आप डायरेक्टली डॉक्टर चंद्रा को भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और डॉक्टर चंद्रा, आप ये बताइए कि ये जो प्रन्यास टीम है, ये जो भी काम कर रही है, तो इसके पीछे मतलब किसी ऐसे लोगों का हाथ भी है जो मतलब सपोर्ट कर रहे हैं इसको? इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। सबसे पहले तो इस टीम के जो जितने डॉक्टर्स लोग हैं सबका हाथ है, क्योंकि उन्होंने सारे डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट हैं, सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, शहर के जाने पहचाने डॉक्टर हैं, और वो खुद अपना टाइम निकाल के अपने बिजी शेड्यूल से अगर टाइम निकाल के आपको देते हैं ये फ्री में चैरिटी करने के लिए अपने संस्था के लिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सहयोग है। इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य मंत्री, राज्य के और भी जितने हैं डीसी साहब, एसएसपी साहब, सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और ये ऐसी मोटो पे हमारी संस्था बनी हुई है कि लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं और लोग समझ रहे हैं हमारी मतलब हमारा मोटो को समझ रहे हैं, और इस तरह से एक मतलब फ्लो बनते जा रहा है, लोगों का सपोर्ट अपने आप मिलते जा रहा है। इन सब सवालों के बीच मेरे जहन में एक और भी सवाल आया कि अभी अगर देखा जाए तो COVID-19 के टाइम में जो जनता का आक्रोश है वो डॉक्टर्स के प्रति एक अलग नज़रिया लेकर के चल रहे हैं, तो ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो डॉक्टर को धरती पर दूसरा भगवान कहा जाता है, और ऐसे भगवान के ऊपर जब सवाल उठने लगते हैं कि वो अपने उत्तरदायित्व से पीछे भाग रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो ऐसी इनिशिएटिव को लेकर के जो आपकी एक सोच है, आपकी एक जो पहल है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप किसी भी बीमारी का जो है क्वेरी को देखेंगे, तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, आज जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी सरकारी संस्थानों के डॉक्टर्स हैं, कभी आप देखेंगे कि जो कुशल ड्राइवर होता है वो कभी एक्सीडेंट करने का खुद से प्रैक्टिस नहीं करता, खुद से अवॉइड करना चाहता है। उसी तरह से एक मेडिकल एडवोकेट है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं कभी नहीं चाहते हैं कि उनके पेशेंट के साथ कुछ गलत हो। हाँ, बात कर रही है, कर रहे हैं आपने भगवान का, तो हम लोग कभी भी भगवान नहीं हो सकते हैं, हम लोग भी कोविड का जो ये दौर है ये लंग को इतना मेजरली सीवियरली डैमेज कर रहा है कि ऐसे कंडीशन में जब पेशेंट का सेचुरेशन 50% से कम होके आता है, 30% होके आता है, तो हम लोग लास्ट कोशिश के बाद भी हम लोग बचा नहीं पाते हैं, और उस समय दुख हमें भी होता है, हम भी दुखी होते हैं, बट पब्लिक को समझना चाहिए कि हम भी एक इंसान का ही फॉर्म है, हमारे भी लिमिटेशंस हैं, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। आप झारखंड जैसे अंडर डेवलप्ड स्टेट में, अभी आप जहाँ पे खुद ऐसे तो पूरे इंडिया में ही देख रहे हैं बेड की कमी हो चुकी है, सब जगह स्कार्सिटी, ऑक्सीजन की दिक्कत है, वेंटिलेटर की कमी है, तो ऐसे पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे रखने वाले पेशेंट आपके पास आते हैं, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें डॉक्टर का कहीं पे कोई गलती नहीं है, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसी में हम लोग पेशेंट को कैटेगराइज करके कितना सीवियरिटी है उनका, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में ये टीम का फॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये टीम आज अपनी स्वार्थ से अलग हट करके एक ऐसा सेवा कर रहा है जो लोगों के दिलों में जगह बनाएगा, और लोगों के जो सोच है डॉक्टर पैसा लेके काम करते हैं, डॉक्टर फी लेते हैं, डॉक्टर टाइम नहीं देते हैं, वो सब बिल्कुल नहीं है। इसके बियॉन्ड हम लोग इससे ऊपर उठ करके ये टीम का फॉर्मेशन किए हैं, जो कि आपके सामने ना मूल्यवान समय हमारे साथ शेयर किया, बहुत अच्छी जानकारियां शेयर की। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो है डॉक्टर चंद्रा ने बताया टीम प्रन्यास के गठन को लेकर के, क्या उनकी मानसिकता है, क्या उनका मोटो है इस पर काम करने का, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जितने भी 13 डॉक्टरों के नंबर जो हैं व्हाट्सएप नंबर हैं उन पे आप कॉल कर सकते हैं, उन पे आप मैसेज कर सकते हैं, और उनके दिए गए टाइम स्लॉट पर ही कॉल या मैसेज करें ताकि आपकी जो परेशानी है वो देखी जा सके, वो सॉल्व की जा सके। और इसी के साथ मैं प्रियंका अपने प्रोग्राम को यहीं समाप्त करती हूँ, और ऐसे और भी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं प्रियंका सौरभ के साथ रांची।